पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है और किस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, गरीबों से, जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, किसानों की फसल की लागत का मूल्य देने के नाम पर बड़े बड़े वादे करके, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर 2017 में उत्तर प्रदेश जनता ने अपार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता की उम्मीदों पर भरोसे पर खरी नहीं उतरी और आज उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है, महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है, हमने किसानों को फसल नुकसान होने पर दिल्ली में 50,000 पर हेक्टेयर मुआवजा भी दिया है, उस मॉडल को लेकर हमारे कार्यकर्ता, हम लोग उत्तर प्रदेश के गाँव में घर में जा रहे हैं। जाति धर्म की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 30 सालों से, उस जाति धर्म की राजनीति के खिलाफ हम जनता को अपील करेंगे, हम उसे अनुरोध करेंगे, जाति धर्म की राजनीति से किसी का कोई भला नहीं होगा। आप विकास के मुद्दे पर, अरविंद केजरीवाल का जवाब है उस मुद्दे पर, आप एक बार हमको मौका दीजिए। और हमको मौका मिला, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो विकास का मॉडल है, पूरी दिल्ली की जनता को है बेहतर स्कूल, अस्पताल, उस सारे मॉडल हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो सर, इस तरह के यूपी में हालात हैं, हमारा सवाल उस पर है कि अभी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगलबाज है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, लोग सुरक्षित नहीं, और जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरीके से सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को डरा धमका के उठ लिया है, ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है। तानाशाही के बल पर तो योगी आदित्यनाथ जी सरकार चलाना चाहते हैं और जनता इसका जवाब 2022 के विधानसभा के चुनाव में देगी। क्या मामला है यूपी छोड़ा अभियान किस तरह से चला? आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच यूपी जोड़ो अभियान के तहत एक महीने में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने के लिए 4 प्रकार के तरीके हैं। आप मिस्ड कॉल नंबर के जरिए पार्टी का सदस्य बन सकते हैं, जिसका नंबर है 9151403403। लोग इस पर जो है मिस्ड कॉल करके पार्टी का सदस्य बन रहे हैं। पार्टी सभी विधानसभाओं में हर सदस्यता कैंप का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए लोग सदस्य बन रहे हैं पार्टी का। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों के घरों पर जा रहे हैं और उसके जरिए लोग सदस्य बन रहे हैं। और पार्टी ने एक ऐप जारी किया है, जिस ऐप के जरिए भी लोग पार्टी का सदस्य बन रहे हैं। 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का जो आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है, उसका ठीक ढंग से संचालन हो, पार्टी को लक्ष्य पूरा हो, इसके लिए सभी 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सभी मंडल पर सदस्यता अभियान के प्रभारी बनाए गए हैं और प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह जी, मैं स्वयं और हमारे दूसरे जो स्टेट के जो है पदाधिकारी साथी हैं, वो लगातार जिलों में दौरा कर रहे हैं, सदस्यता कैंप में शामिल हो रहे हैं। और पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य, हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम बरेली में आए हैं, साथियों से बातचीत करेंगे, इसके बाद हम विधानसभाओं के सदस्यता कैंप में भी जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति धर्म और नफरत की राजनीति के बजाय मुद्दों और विकास की राजनीति की बात हो। अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, उसको भी हम लोगों को बीच ले जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उनको समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति धर्म की नहीं, अब विकास की बात हो, विकास की राजनीति है। सदस्यता का कोई चार्ज भी रखा है या निःशुल्क? निःशुल्क सदस्यता, किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क के लिए निःशुल्क। क्या पार्टी गठबंधन भी कर सकती है? आम आदमी पार्टी सभी 403 विधानसभाओं में अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है। हम सदस्यता कैंप के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके अलावा हम संगठन को भी विस्तार कर रहे हैं। बहुत सारे नए साथी रोज मिले, उनको संगठन में जिम्मेदारी देना। आम आदमी पार्टी सभी 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसके बाद
अभी तो आज की तारीख तक जो आपसे बात कर रहे हैं गठबंधन को लेकर कहीं कोई विशेष कोई बातचीत नहीं हुई, अब आगे जो भी होगी वो आपसे शेयर कर रहे हैं। जो अध्यक्ष हैं और जो विधानसभा